नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भोजपुरी की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर है दोस्तों भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की तरफ से, जिनकी एक और आने वाली फिल्म जिसका नाम है आए हम बाराती। फिल्म की शूटिंग श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में शुरू कर दिया गया है। दोस्तों दिनेश लाल यादव की फिल्म आए हम बाराती को डायरेक्ट किया है विशाल वर्मा जी ने। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, जसविंदर कौर, किरण यादव और देश मिश्रा, चिंतामणि सिंह, तेज बहादुर यादव जैसे कलाकार नजर आएंगे। दोस्तों दूसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, जिन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि आज हमारे सबसे अच्छे मित्र और भोजपुरी के नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जी का जन्मदिन है। मैं भगवान से कामना करता हूं कि हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहें और हर कामयाबी इनके कदम चूमे। यह मेरे लकी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मेरे हर गाने को म्यूजिक यही देते हैं, जो हर गाना सुपरहिट होता है। इनको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 24 फरवरी 2019 को भोजपुरी के नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बसई जी का जन्मदिन था। भोजपुरी गोल्ड की तरफ से इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी के मेगा स्टार रवि किशन जी की तरफ से, जिनको दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के प्रतिष्ठित अवार्ड शो TSR TV9 नेशनल फिल्म अवार्ड 2017-18 में भोजपुरी फिल्म के मेगा स्टार रवि किशन को बेस्ट भोजपुरी एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह अवार्ड उनकी फिल्म सहंसा और सन की दरोगा फिल्म के लिए दिया गया। दोस्तों इस अवार्ड शो में भाग लेने के लिए रवि किशन और साउथ के एक्टर चिरंजीवी ने साथ में निजी विमान से गए थे दोस्तों, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दोस्तों चौथी खबर है दोस्तों भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की तरफ से, जिनके फिल्म निरहुआ चला लंदन सिनेमाघरों में दूसरे सप्ताह में भी खूब धूम मचा रही है। दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए दूसरे सप्ताह में भी काफी मात्रा में सिनेमाघरों में भीड़ देखी जा रही है। साफ सुथरी व संपूर्ण पारिवारिक व हर वर्ग के दर्शकों के लिए निर्मित की गई इस फिल्म में दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे का लंदन में देसी फिल्म मुख्य आकर्षण बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। पांचवी खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म क्रेक फाइटर की तरफ से, पिछले दिन क्रेक फाइटर फिल्म के एक गाने की शूटिंग किया गया और इस फिल्म में डबिंग का काम अंतिम चरण पर चल रहा है। दोस्तों बस कुछ महीनों के इंतजार के बाद इस फिल्म को होली के शुभ अवसर पर रिलीज किया जाएगा। छठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से, जिनकी आने वाली फिल्म बागी की शूटिंग इस समय लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क में किया जा रहा है, जिनका वीडियो सामने आया है जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों सातवीं खबर है दोस्तों प्रवेश लाल यादव और अक्षरा सिंह जी की तरफ से, जिनका इस साल का होली गाना जिसका नाम है होली में मचे हुड़दंग फुल ऑडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को गाया है प्रवेश लाल यादव और अक्षरा सिंह ने। गीत सुमित चंद्रवंशी जी का है और इसे संगीत से सजाया है आशीष वर्मा जी ने। इस गाने को आप लोग निरहुआ इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। दोस्तों आठवीं खबर है दोस्तों प्रवेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे जी की तरफ से, जिनका इस साल का नया होली गाना जिसका नाम है पहले रंग डालेगा मरद मेरा, इस गाने को YouTube पर रिलीज कर दिया गया है। इस गाने को गाया है प्रवेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे जी ने। गीत प्यारे लाल यादव श्याम देहाती आजाद सिंह का है और इसे संगीत से सजाया है आशीष वर्मा जी ने। होली के इस गाने को आप लोग निरहुआ इंटरटेनमेंट YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। दोस्तों नौवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के युवा स्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी की तरफ से, जिनका एक और होली गाना जिसका नाम है वाटर प्रूफ साया ए सखी, इस गाने को YouTube पर रिलीज कर दिया गया है। गीत बलराम विधाता जी का है और इसे संगीत से सजाया है आशीष वर्मा जी ने। इस गाने को आप लोग टीम फिल्मर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।